हेलो गाइस, और इस वीडियो में हम देखने वाले बीएमएस का क्या कट ऑफ होने वाला है 2021 में। 2021 व्हाट विल द कट ऑफ ऑफ बीएमएस कोर्स। एक्चुअली आपको पता है कि बीएमएस का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी बच्चों में, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया पड़े कि कितना कट ऑफ जा सकता है बीएमएस का 2021 में। एंड आपको कुछ बातें जो है कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर वी गेट डाउन टू द एक्चुअली द कट ऑफ। सो यहाँ पर आपको जो बातें कंसिडर करनी है कि वो हर स्टेट के लिए अलग कट ऑफ निकलता है, हर कॉलेज के लिए अलग से कट ऑफ रहता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज अ जनरल थिंग विच विल बी अ जनरल थिंग। और पहले हम आपको बताएंगे कुछ पॉइंट जो कि आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। दूसरा जो रहता है डिफिकल्टी लेवल, व्हाट विल द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसा करा, रिजर्वेशन है कि नहीं है, और नंबर ऑफ सीट्स। तो ये सारे पॉइंट पर डिपेंड करता है कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। दूसरी जो बात है कि बीएमएस और बीएचएमएस ये सारे कोर्स जितने भी है इन सब का ही नीट से जो है अब एडमिशन होगा। नीट के थ्रू जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके थ्रू एडमिशन होगा। नीट इज मैंडेटरी, नीट जो है आपको देनी ही चाहिए, देनी ही पड़ेगी। अगर आपको आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना है, बीएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेना है, देन यू मस्ट हैव गिवन नीट एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट जो है स्टेट वाइज प्रिपेयर होगी। मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज जो है कट ऑफ वेरी करेगा। एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, एट बीएचयू जो है, इनकी काउंसलिंग फॉर्मेट अलग है और इनकी काउंसलिंग अलग से होगी। एंड इफ यू आर एमिंग फॉर डीयू, एएमयू एंड बीएचयू, देन यू हैव टू डू काउंसलिंग सेपरेटली। आपको इनकी अलग से सेपरेटली काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देन दिस इज द आई थिंक सो दिस इज माई प्रेडिक्शंस। और एक तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए आप मान सकते हैं 510 प्लस अगर आपके नंबर है, देन यू कैन गेट बीएमएस कॉलेज एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 कॉलेज और टॉप 3 कॉलेज, बट अगर आपका इतना स्कोर है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको जो है ज्यादातर कॉलेजेस में बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल थिंग, ओके। आई एम नॉट टेलिंग कि हर कॉलेज के लिए यही कट ऑफ है, बट बिकॉज मुझे तो अब एक ऑल इंडिया लेवल पे बताना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपका स्कोर है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 480 प्लस लाते हो, अगर आप एससी कैटेगरी में 350 प्लस भी ला लेते हो, ठीक है, एसटी में आप 320 प्लस, यूआरपीएच में आप 450 प्लस, एंड ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी 420 प्लस आप बोल सकते हो, अगर आपका इतना स्कोर है देन यू आर सेफ। अगर आपका इतना स्कोर नहीं है, फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपका जो स्टेट है वहां पर कितनी सीट्स है। हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में जैसे सीट्स है 12,000, ठीक है, तो वहां पर ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा। अब जैसे कोई दूसरा स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश है, अगर वहां पर सीट है 1,000, तो वहां पर कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, बट दिस इज अ जनरल थिंग। यहाँ पर जो मैंने बताया दिस इज अ जनरल थिंग, और आप अगर इतना स्कोर कर लेते हो देन यू विल गेट अ सीट ऑफ बीएमएस एनीवेयर इन द कंट्री, आई थिंक सो, बिकॉज दीज आर अ वेरी गुड स्कोर्स। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इतना स्कोर नहीं है देन यू नीड टू टेक सम टेंशन। और वहां पर अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आप लोग अगर बोलो, अगर कमेंट में बोलोगे, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। हर स्टेट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि मध्य प्रदेश के लिए कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर और लास्ट 5 साल से कितना कट ऑफ जा रहा है। अगर आप लोग चाहोगे देन आई विल डू दैट, और अगर आप नहीं चाहते हो देन इट विल ओके। अगर आपको चाहिए देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एवरी स्टेट, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में कितना कट ऑफ गया था। और मुझे पता भी चलना चाहिए कि मेरा जो वीडियो है वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, देन इसलिए मैं उसके हिसाब से फिर वीडियो बनाऊंगा कि महाराष्ट्र का पहले बताता हूँ, फिर कर्नाटका का बताऊंगा, देन आई विल टेल द मध्य प्रदेश। सो प्लीज कमेंट योर स्टेट एंड विच कॉलेज यू वॉन्ट द कट ऑफ, सो आई विल डू रिसर्च एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट स्टेट प्रोबेबली। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो आई नो कि आप में से काफी सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई नीट या फिर दूसरी जो आईसीआर की एग्जाम्स है, वेटनरी की एग्जाम्स है, नर्सिंग की एग्जाम्स है, बीएमएस वगैरह। तो इन सब के लिए आजकल मटेरियल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मतलब जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आप लोग को इतना एक्सटेंसिव मटेरियल मिल नहीं पाता, जैसे आपका सिलेबस है उससे काफ़ी ज़्यादा हट के आपको मटेरियल मिलता है ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर कहीं और वेबसाइट्स पर। पर अगर आप एक ऑप्शन कंसीडर करते हो मेरी तरफ से, आई विल रिकमेंड अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप लोग को जो है बैच कोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर आपका जो कोर्स है वो पूरी तरीके से डिज़ाइंड होता है, एक मतलब जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से ही वहाँ पर पूरे कोर्सेज चलते हैं। तो आपको एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज एंड विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में जो टॉप एजुकेटर्स है, जो टॉप के जो लोग हैं वो लोग आपको पढ़ाते हैं, टॉप के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं।
और इसी के साथ साथ लाइव लर्निंग होती है, मतलब कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और आप उनसे कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ अन अकेडमी। यहाँ पर आप लोग अगर अन अकेडमी का प्लस वाला कोर्स लेते हो जिसमें आपको कुछ और जो फीचर्स मिलते हैं, ये सब तो मैंने आपको फ्री वाले फीचर्स बताए, जो प्लस वाले कोर्स को जो फीचर्स है उसमें आपके बैच बनाएंगे, वहाँ पर आपके बैच बनाए जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है लाइव लर्निंग के साथ साथ वहाँ पर डाउट क्लियर होते हैं और टेस्ट सीरीज़ होती है, इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अगर ऑफलाइन आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज़ देते हो तो वहाँ पर आपको जितनी कॉस्टिंग पड़ेगी उतनी इसमें टोटल जो अन अकेडमी की जो कॉस्टिंग है उतनी उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है। मतलब कि अगर आप कहीं ऑफलाइन जाओगे और ऑफलाइन में आप जितना पैसा दोगे कोचिंग में उससे अच्छा आपको और उससे अच्छे फीचर्स आपको अन अकेडमी पे मिल सकते हैं ऑनलाइन एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर पे ही बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है देन यू कैन एनेबल ऑल दिस कोर्सेज। एंड अगर आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है तो हो सकता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो अन अकेडमी पर आप लोग ये कोर्सेज लेकर के यू कैन बाय। और अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने इफ़ यू नीड सम डिस्काउंट और समथिंग एल्स, सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं अन अकेडमी की तरफ से, रेगुलरली ऑफर्स आते रहते हैं काफ़ी सारे। आप वहाँ पर जाएंगे उनकी वेबसाइट पर उनके ऐप पर तो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक कोड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो कोड है ARPIT10 ARPIT10 जो मेरा कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप लोग को देखने मिलता है कि 10% आपका पैसा बच गया है। जैसे कि अगर कोई कोर्स है मान लीजिए 50,000 का, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 5,000 रुपीज़ आपका वहाँ पर इंस्टेंटली ऑफ हो जाएंगे। तो ये आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के, और आई होप कि आप सभी लोग इसका पूरी तरीके से उपयोग लेंगे। बिकॉज आज के दुनिया में आपको कोई भी अगर एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे YouTube पे भी आप कोई चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको एक जगह पर वो मिलना बहुत मुश्किल है, पूरा कोर्स आपको एक ही जगह मिल जाए, टॉप एजुकेटर्स भी एक जगह मिल जाए, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाए, एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाए, तो ये सब कुछ एक जगह पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अन अकेडमी ने ये सारी चीज़ों को एक जगह ला दिया है एंड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट दे आर ऑफरिंग यू द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। तो आई होप कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर से अन अकेडमी प्लस को ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू अगर आप बाय करना चाहते हैं कोर्स को तो आप लोग मेरा कोड ज़रूर लगाना, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे और उससे अन अकेडमी को भी फ़ायदा होगा। ARPIT10 कोड है मेरा, ARPIT10 इज़ माई कोड। आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल बेनिफिट यू इन फाइनेंशियल वेज ऑल्सो। और इतने आपको यहाँ पर थोड़े से 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ARPIT10। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।